जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने खड़े हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बीजेपी इन हाउस प्रोटेस्ट कर रही है, आखिर वजह क्या है, इतना बड़ा बवाल क्यों? कल भी हमने देखा कुछ लेजिस्लेटर जख्मी भी हो गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, क्या दिक्कत है बीजेपी को स्पेशल स्टेटस के रेजोल्यूशन से, दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द स्पेशल स्टेटस? आपसे पूछता हूँ, स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का अपना है, उसमें 370 भी है, 35A भी है, इसमें जॉब सिक्योरिटी भी है। आप देखिए, जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें 370 का जिक्र नहीं है, 35A का जिक्र नहीं है, स्पेशल स्टेटस का जिक्र है, जिसमें बाजाब्ता तौर पर इन्होंने जॉब सिक्योरिटी का कहा है, लैंड सिक्योरिटी का कहा है। अगर आप भी जम्मू कश्मीर से है तो जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी से इनसे क्या दिक्कत है आपको? मुझे आप बताइए, जो भी कार्रवाई होती है भारत के संविधान के तहत होती है ना, होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होती है। क्या कहीं पे भारत के संविधान में स्पेशल स्टेटस शब्द है, वर्ड है? नहीं है ना, नहीं है ना। आपको भी मैं चैलेंज करता हूं और आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को भी चैलेंज करता हूं, अगर वो मुझे जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं पे बताए कि ये स्पेशल स्टेटस हमें मिला है, स्पेशल स्टेटस वर्ड, मैं आज रिजाइन करता हूँ। देखिए, एक्सेशन जो हुआ था वो 370 35A पर भी, व्हाट इज दिस 370? उसी को तो हम स्पेशल स्टेटस मानते हैं। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ 370। 370 डिफाइन किया गया है, दिस इज टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज दिस टेम्परेरी प्रोविजन? अंटिल एंड अनलेस भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है, यही है ना। स्पेशल स्टेटस वो शब्द ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है। 370 को डिफाइन किया गया भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज एन टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, और टेम्परेरी प्रोविजन भारत का संविधान। अब मुझे बताइए, भारत का संविधान लागू कौन करेगा? भारत का पार्लियामेंट, जो कर दिया। आप मुझे बताइए, ये उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए आप, से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है ना, क्या वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है? इस फेडरल स्ट्रक्चर में है क्या? नहीं है ना। उसी प्रकार से क्या कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी हो सकती है? हम बोलेंगे नहीं, स्पेशल स्टेटस एक एक्ट है, एक आर्टिकल है। वियर, व्हाट इज दिस? तो जब ये है ही नहीं तो अनडेमोक्रेटिक, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लोगों को गुमराह करना, ये स्पेशल स्टेटस पता कहां पे है? आपको मैं बताना चाहता हूं, ये स्पेशल स्टेटस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हॉली बुक में है, जिसमें 1931 से इतिहास शुरू होता है, जिसमें कश्मीरी पंडितों का पलायन है, जिसमें कश्मीरी पंडितों की किलिंग है, जिसमें कश्मीरी सिविलियंस की किलिंग है, जिसमें तुफेल मत्तू की किलिंग है, जिसमें आसिया नीलोफर के सवाल है, जिसमें हाजी यूसुफ के सवाल है, ये वो स्पेशल स्टेटस है, नथिंग एल्स दिस। हम तो कहते हैं कि आइए, आप बोलिए 370 है क्या? हर जगह पे स्टेट एक ही एक्सेशन नहीं हुआ ना, एक ही मर्जर नहीं हुआ ना, 562 रियासतें थी, उनका मर्जर हुआ है। तो एक टेम्परेरी प्रोविजन हर जगह थोड़ा थोड़ा था, जब तक न सब जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। अब जब लागू हुआ तो किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं? अगर मेजोरिटी ने ये पास किया है रेजोल्यूशन, देखिए, अब आप भी जानते हैं सेंटर में आप ही है, ठीक है, पार्लियामेंट से होते हुए भी अगर जाना है आप ही है, तो अगर पता है आगे आप ही है तो यहाँ पर बवाल क्यों? अगर ये मतलब आप समझते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर तो रोक दिया जाएगा इसको, फिर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा इसको। अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी जाना है, अभी वो भी देखेंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है कि नहीं है। आइए मैं बताता हूँ क्या है। हम यहाँ पे ताली बजाए, हम यहाँ पे ताली बजाए, जिंदाबाद के नारे दें, गलत करते जाए, अनडेमोक्रेटिक करते जाए, कश्मीरियों का कत्ल करते जाए, सिविलियंस का कत्ल करते जाए, लोगों को मूर्ख बनाते जाएं, इसलिए हमें चुना है लोगों ने कि आप उमर अब्दुल्ला के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन के लिए तालियां बजाएं? नो, नॉट एट ऑल। आपने बोली बीच में, किसी कीमत पे भी नहीं। हमें भी अपनी बुद्धि है, हमें भी अपना विजडम है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, जो पार्लियामेंट की ड्यूटी है वो करेंगे और कर भी रहे, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है वो करेंगे। आर्टिकल 141 क्या कहता है, आर्टिकल 246 क्या कहता है, दोनों आर्टिकल्स ये कहते हैं कि नो असेंबली इज अबव द पार्लियामेंट, नो असेंबली इज अबव द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइडेड है, सेटल्ड है, उसको कोई असेंबली चैलेंज नहीं करे। और उसके बाद आप मुझे बोलते हैं कि आप ताली बजाओ उमर अब्दुल्ला साहब। ताली बिल्कुल हम नहीं कहेंगे बजाने के लिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने लेजिस्लेटर्स है, आपका अपना आइडियोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो रेजोल्यूशन में जिक्र किया गया है उसमें जॉब्स का है, उसमें जो लैंड सिक्योरिटी का है,
उससे मतलब अगर हम लैंड सिक्योरिटी जॉब जल्दी इतना मैं मुझे नहीं, आप मुझे शॉर्ट में एक वर्ड में सब में सवाल समझ बता दीजिए प्लीज। आप बातचीत भी उसमें बातचीत भी है तो बातचीत में क्या सुनिए मैम, कुछ नहीं होता, हम बातचीत करना चाहते करें बातचीत, सवाल ये पैदा होता है स्पीकर की पोस्ट आप समझते हैं क्या होती है, ठीक है ना, मतलब कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसने मोहर लगाई होगी उस बिल को रेजोल्यूशन को सॉरी। अब आप स्पीकर का, आप मीडिया वाले थोड़ा सा अवेयर होके आए, स्पीकर ने क्या कहा, स्पीकर ने उसी दिन रेजोल्यूशन जिस दिन मूव हुआ फ्लोट हुआ बाहर आके कहा ये रेजोल्यूशन 370 है, क्या बोला उसने, उसने ये नहीं बोला जॉब्स, उसने ये नहीं बोला लैंड प्रोटेक्शन है, स्पीकर खुद कह रहा है, मोहर लगा रहा है, मैं दिखाऊं, मैं वीडियो दिखाता हूं, नहीं, वो तो खुद कह रहा है, वो 370 बता रहे, तो है क्या 370, ये खुद कंफ्यूज हैं, कश्मीरियों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। मैम आप एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को बताएं ये फिर कश्मीर को वहीं पे लाना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं, वायलेंस में धकेलना चाहते हैं, यहाँ पे कत्लो गारद करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करना चाहते, कंफ्यूज है ना। आप बोल रहे हैं कि भाई एनसी कह रही है कि इट इज ऑनली रेजोल्यूशन फॉर जॉब्स एंड लैंड सिक्योरिटी, स्पीकर उनका ये कह रहा है कि भाई ये 370 की डिमांड है हाउस में, स्पीकर जब 370 की डिमांड करे तो हम बोले नहीं ये ठीक है, पहले वो क्लियर माइंड हो के आए, वो बातचीत किस पे करना चाहते हैं, उनके रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है, फिर जाके हमसे आप पूछें। सुनील जी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अंदर असेंबली से स्पीकर के कहने पर आप सबको जो है बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको मार्शल्स की तरफ से बाहर कर दिया गया, आपने यहाँ पर एक इन्फॉर्मल असेंबली बैठाई, क्या मकसद था इसका? मकसद ये था जो आवाज हमने अंदर उठानी थी, लोगों की मसाइल, नए एमएलए 90 चुन के आए हैं, क्यों वोट दिया लोगों ने, वोट दिया होगा मेरी गली नाली ठीक करेगा, शोर करेगा, बात रखेगा, इसीलिए के लिए दिया, मेरा खंभा यहाँ पे नहीं है, खंभा लगेगा, तार लगेगी, जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे प्रोग्राम जो चल रहा है वो मेरा नहीं हुआ होगा, सड़क मेरी टूटी फूटी है, मेरा एमएलए इसको उठाएगा, इसी के लिए दिया है ना, हम कहाँ पे करें बात। और होना क्या चाहिए था, एक प्रोसीजर होता है मैम कोई भी हाउस चलाने के लिए, एक सेट फॉर्मेट, एक सेट प्रोसीजर है, बिजनेस बनाया जाता है, बिजनेस कमेटी बनाई जाती है, बाय वर्चू ऑफ माय पोजीशन एज एलओपी मैं भी बिजनेस कमेटी का मेंबर हूं, जब बिजनेस तैयार किया जाता है हमसे तो कोई कंसल्ट नहीं किया, आप बिजनेस क्या ला रहे हो, चलिए हमें वो भी मंजूर, आपने तो हमेशा अकेले जम्मू कश्मीर चलाने की कोशिश की, आज भी चलाएं वो भी मंजूर। फिर ये हमें बिजनेस सर्व जब करते हैं उस बिजनेस में लिखते हैं कि आज डिबेट होगी वोट ऑफ थैंक्स की, मैं बीइंग एलओपी मैं 5 मेंबर्स को तैयार करता हूं कि आप अपने अपने एरियाज की इश्यूज उठाइए रिलेटेड टू दिस गवर्नर एड्रेस, वो तैयारी करते हैं और ये चतुराई से, छल कपट से, चालाकी से वोट ऑफ थैंक्स को साइड रख के गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक एक्ट करते हैं वो रेजोल्यूशन लाके, यही होना चाहिए था ना, हमें तो शौक नहीं है तो गलत किसने किया, ठीक है मैम जी, संतुष्ट हो गए? अच्छा सुनिए, अब आप जबरदस्ती नहीं जी, जबरदस्ती नहीं गए, अच्छा आखिरी सवाल भी हो गया, लेकिन एक बात है देखिए, आप इन हाउस है, एक डिसिप्लिन होता है, आपने जिस तरीके से आपके ही कुछ लीडर्स ने कल हमला बोला जो खुर्शीद साहब थे उस पर, मतलब क्या था ये, कुछ तो लेजिस्लेटर्स जख्मी भी हो गए, क्यों ऐसा हुआ इन हाउस? लाइए लाइए, सब सवालों के जवाब मेरे पास है, आप ये नहीं सोचिए कि मैं कोई वैसे ही आया हूं और आपके सवालों का जवाब नहीं, आप ऑपोजिशन हैं, थोड़ी आए हैं, सब सवालों के जवाब है। आप मुझे बताइए कौन सा प्रेसिडेंस है किसी भी एमएलए को आप अलाउ करेंगे जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में और जिसको सेटल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप अलाउ करेंगे उसको इस हाउस में? क्या ये गलत नहीं है? ये प्रेसिडिंग के खिलाफ नहीं है, ये प्रेसिडेंस के खिलाफ नहीं है? और जो ये चिट स्पीकर, पर्ची स्पीकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पर्ची से चलने वाला स्पीकर, ये गलत हरकतें करेगा, हम भारत माँ के रखवाले हैं, तो हाथापाई करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे, छीनेंगे वो, हम नहीं, धक्का नहीं देंगे, धक्का मुक्की नहीं देंगे, हमने किया ही नहीं कभी, हाथापाई करने वाले ये लोग हैं, हथियार चलाने वालों के समर्थक ये हैं, अलगाववाद के समर्थक ये हैं, हमने कब किया? हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमने तो गोलियां खाई है छाती पे, हमने कभी नहीं किया, हमने वो कहा कि ये गलत है, स्पीकर को करना चाहिए था, वहां से मार्शल से वो छीनना चाहिए, पहले तो उसे वेल में अलाउ ही नहीं करना चाहिए था, वो जब स्पीकर नहीं करेगा बाकी नहीं करेंगे तो हमने तो वो छीना, उसके अलावा हमने क्या किया? और उसके बाद हमारे 5 लोग जख्मी हुए वो आप नहीं बोलेंगे? आप कश्मीर की मीडिया को थोड़ा अनबाइस्ड होना पड़ेगा, दोनों तरफ चलना पड़ेगा,
क्योंकि आपका हम किसी के लिए भी बायस नहीं है। हमने कल ही कहा लेजिस्लेटर्स जख्मी हो गए, हमने ये किसी का नाम नहीं लिया है कि उनके लेजिस्लेटर्स हुए या आपके पास माइक है, आपके पास अथॉरिटी है, जो मर्जी है बोलते जाएं, और कैमरा भी आपके पास। आपको लोग फोर्थ पिलर मानते हैं डेमोक्रेसी का, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, आप छोटी बहन जैसी है मेरी। मैं सिर्फ आप पे वो हिट नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। अनबाइस्ड होके जम्मू कश्मीर की आवाज आपके द्वारा जाती है, पूरी देश दुनिया देखती है। इसलिए जो सवाल आपने मुझसे पूछे, जरा स्पीकर और उमर अब्दुल्ला साहब से पूछे, एक सवाल जरा पूछना, बोलना सुनील शर्मा चुनौती देता है, चैलेंज करता है, चैलेंज कहीं पे भी आके मुझे बताइए व्हाट इज दिस स्पेशल स्टेटस, जिस स्पेशल स्टेटस की आप डिमांड करते हैं। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द मिला, आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस हाउस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सुनील शर्मा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे साथ मौजूद थे। चलिए, हम पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, हम किसी लीडर से कोई भी सवाल पूछे तो हमें भी बायस्ड बताया जाता है। अब चलिए, मीडिया का काम है ये सब सवाल, ये सब इल्जाम हमें भी सुनने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। अब यहाँ से कहेंगे, उससे ये सवाल पूछे, वो कहेंगे, इनसे ये सवाल पूछे, ये सब होता रहता है। लेकिन इस बीच में आपको बताना जरूरी है कि आज इन हाउस जो है फिर से वही रक्स क्रिएट हो गया। उसके बाद बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स हैं इनको स्पीकर के कहने पे बाहर कर दिया गया, बाहर इन्होंने एक डमी असेंबली लगाई, और उसके बाद जो है यहां पर सिट इन प्रोटेस्ट भी किया इन्होंने, और इनकी भी जो है आपस में जो एड्रेस करना था इनको, वो एड्रेस इन्होंने यहीं पर किया। लेकिन अभी भी असेंबली अंदर चल ही रही है। अब देखिए, यहां पर हमने देखा कि लगातार जब से रेजोल्यूशन पास किया गया है रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस को लेके, तब से ही यहां पर जो बीजेपी के लेजिस्लेटर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो विड्रॉ चाह रहे हैं इस रेजोल्यूशन का। लेकिन अभी देखना ये रहेगा आगे और क्या कुछ होता है और क्या कुछ नई खबरें सामने निकल के आती है। फिलहाल 5 दिन का ये सेशन था, आज आखिरी दिन है। चीफ मिनिस्टर मुद्दा भी एड्रेस करेंगे, वो भी क्या कुछ कहते हैं। बाहर आएंगे, हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो भी क्या कुछ कहते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स से फजा जाना।